Here is the question. Phenol associates in benzene to a certain extent in dimerization reaction. A solution containing 0.02 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point depressed by 0.69 Kelvin. Hence, degree of dissociation of phenol dimerized will be aapko calculate karna hai. तो देखो बेटा यहां पर क्या बोला है कि फिनोल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है. डाइमराइजेशन रिएक्शन में अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला हो जाएगा I is equal to 1 plus 1 upon n minus 1 into अल्फा. क्लियर है? अच्छा, डाइमराइजेशन हो रहा है मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. टैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. तो I is equal to क्या हो जाएगा? 1 plus 1 upon 2 minus 1 into अल्फा. ये हो जाएगा I is equal to 1 minus 0.5 into अल्फा. तो क्लियर, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो आपको वांटा फैक्टर आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, आई को कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ये डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो फार्मूला क्या होगा बेटा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केएफ इनटू मोलिलिटी. सिंपल सा फार्मूला है. डेल्टा टीएफ कितना डिप्रेस हुआ है? तो 0.69 केल्विन टेंपरेचर क्या हुआ है? डिप्रेस्ड हुआ है. इज इक्वल टू आई तो हमें कैलकुलेट करना है. Kf की वैल्यू दी है बेंजीन के लिए. सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन. तो सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू कितनी दी है? 5.1012 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू. आगे देखो मोलिलिटी. मोलिलिटी क्या होगी? मोलिलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. चलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? फिनोल है. फिनोल का क्या दिया है? फिनोल का वेट दिया है 0.02 किलोग्राम. लेकिन हमें देखो ये वेट दिया है किलोग्राम में और हमें किसमें चाहिए? ग्राम में. तो किलोग्राम को ग्राम में पहले तो कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे मिलता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना हो जाएगा? इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, 20 ग्राम हो जाएगा. इसका तो हो गया गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास कितना हो गया? फिनोल का मोलर मास होता है 94. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, अब क्या बचा? वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वेट किसमें चाहिए? किलोग्राम में. कितना है? 1 किलोग्राम ऑलरेडी है. तो बस इसे उठाओ और मोलिटी की जगह पुट कर दो. कितना हो गया? 20 upon 94. यहां से आप आई कैलकुलेट कर लेना. यहां से आपके पास आई की वैल्यू आएगी 0.633. कितनी आएगी? 0.633. ये क्या आई आपके पास? आई की वैल्यू. इस आई की वैल्यू को उठाओ, यहां पर पुट करो. 0.633 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 अल्फा. यहां पर आप 0.5 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.63 कर देना. ये हो जाएगा 0.367 और इसे 0.5 से डिवाइड कर देना आप. यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा आ जाएगा. ये इज द, यहां पर क्या आएगा देखो, अब अल्फा कितना आएगा? 0.73 आएगा. कितना आएगा? 0.73. तो हियर इज द योर आंसर एंड चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.